सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल नंबर वन यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयपाल। आपके लिए दोस्तों जियो फोन के बारे में लेकर आया हूँ बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे जियो फोन के दोस्तों व्हाट्सएप पे अपडेट आया था। मैंने आपके लिए दोस्तों पिछला वीडियो आपको दिया था कि आपको व्हाट्सएप पे अपडेट मिला और यह अपडेट मिले हैं। तो दोस्तों आपने उसको वीडियो देखा तो दोस्तों आपको पता होगा कि व्हाट्सएप अपडेट बहुत कमाल का अपडेट था। तो दोस्तों आज हम उस उन अपडेट के बाद दोस्तों दो चरणीय प्रमापीकरण को दोस्तों उसके अंदर अपडेट डाला गया, यानी आप अपने खाते को डबल पासवर्ड लगा सकते हैं, यानी अपने द्वारा जनरेट करके OTP लगा सकते हैं। यदि कोई दोस्तों आपका OTP चोरा लेते हैं तो दोस्तों अपने द्वारा जनरेट किया गया OTP आप लगा सकते हैं, तो दोस्तों आपका व्हाट्सएप हैक होने की बच सकता है। और दोस्तों इसके अंदर नाइट मोड का ऑप्शन मिल गया आपको और फोटो वीडियो दोस्तों सेव हो तो मैंने पिछली वीडियो में प्ले कर दिया, आपको भी पता चल गया होगा कि व्हाट्सएप से फोटो वीडियो जो सेव होने लग गई है। और इसके अंदर आपको बहुत सारे अपडेट मिले हैं और वीडियो ऑडियो भी सेंड होने लग गए हैं। तो दोस्तों देखते हैं क्या कुछ इसके अंदर कैसे कैसे लगाया जाएगा। सबसे पहले डेटा कनेक्शन ऑन करना है और दोस्तों स्टोर से अपडेट तो आपने कर लिया ही होगा आशा करता हूँ। और उसके बाद आपको व्हाट्सएप को ओपन करना है। आपको व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद दोस्तों मैंने आपको फोटो को सेव करने तो बताया था और इसके अंदर अपडेट थे दोस्तों वो लगभग 15 अपडेट से भी ज़्यादा थे। यहाँ पे इसके खाते पे जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा दो प्रमाणीकरण कोड। दोस्तों इसको हम चालू करते हैं, इसके अंदर हम OTP लगाते हैं अपने द्वारा जनरेट करके और OTP जनरेट करके बाद अगला, यानी कोई व्हाट्सएप के दोस्तों साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करे। तो यहाँ पे दिखा गया आपके खाते से ईमेल एड्रेस जोड़े जिसका आपका पिन भूल जाने पर आपको रिसेट करना होगा। तो आपका अगर आप ईमेल एड्रेस नहीं डालते हैं तो अपना पिन भी भूल जाते हैं तो आप व्हाट्सएप का फ़ोन नंबर भी रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों इसके अंदर हमारे को इस तरफ लगा सकते हैं और पिन को बदलते हैं। दोपहर में चालू बंद है उसको चालू कर देते हैं और उसके अंदर हम हमारी ईमेल आईडी वो लगा देते हैं। मैं दोस्तों यहाँ पे ईमेल आईडी है वो दोस्तों दो बार लगानी पड़ेगी। मैं दोस्तों ईमेल आईडी लगाता हूँ @gmail.com। यानी दोस्तों इस तरह आप यदि आप व्हाट्सएप के साथ लगा देते हैं दोस्तों। अब दोस्तों एक बार वो लग रहा है कि आपने गलत तो कुछ नहीं लगा दिए, एक बार और चेक कर लेते हैं आपसे। मैं दोस्तों ईमेल आईडी लगा रहा हूँ, उसके बाद देखते हैं दोस्तों और क्या कुछ अपडेट मिलता है हमारे को gmail.com। तो मैंने क्या कि अपनी ईमेल आईडी वो हमने लगा दी इसके अंदर। ईमेल एड्रेस दोस्तों मेल क्यों नहीं खा रहा दोस्तों, क्या कुछ गड़बड़ रह गया दोस्तों, कुछ गड़बड़ रह गया दोस्तों। दोबारा देखते हैं ईमेल एड्रेस को दोस्तों, थोड़ा कुछ गड़बड़ हो सकती है। और उसके बाद इन दोस्तों इसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी दोस्तों, इसलिए दोस्तों अपनी ईमेल आईडी दोस्तों इसका जब गलत लगा देंगे दोस्तों तो यह लगेगा नहीं, क्योंकि गलत इसके अंदर मान्य नहीं होता दोस्तों। दो प्रमाणीकरण हमने चालू तो कर रखे हैं पर दोस्तों ईमेल एड्रेस वो हम लगाते हैं दोस्तों, एक बार और लगा देते हैं। और उसके बाद दोस्तों इसके लिए दोस्तों हमारे को बहुत आवश्यकता है और दोबारा लगाता हूँ, क्या कुछ कोई गड़बड़ रह गई होगी पिछले ईमेल के अंदर। दोस्तों ईमेल आईडी दो बार लगानी पड़ेगी आपको और दो बार लगाने के बाद दोबारा लगाता हूँ @gmail.com। चलो हम लगाते हैं @gmail.com। एक बार तो हमने कंफर्म कर दिया है। चलो अब दोस्तों दोबारा आपको ईमेल आईडी लगा दोस्तों, गलत लगा दोगे दोस्तों तो पिछले बार पेपर जिसे हमारे मेरा है था दोस्तों वो भी आपके सामने आ जाएगा दोस्तों। गलत नहीं लगानी आपको, यानी वो मेरे गलती से कोई चूज हो गया होगा इसलिए। ये दोस्तों व्यक्तिगत जनरेट किया हुआ OTP होता है जो हम कुछ भी लगा सकते हैं, या जब हम भूल जाते हैं तब दोस्तों ईमेल पे हम सेंड कर सकते हैं। दोबारा दोस्तों मेरी जीमेल आईडी पूरी लगा रहा हूँ
8@gmail.com। अब की बार तो सही होगा। अब उसको तो क्या रहा है कि अपने OTP वो चालू कर दिए और ईमेल एड्रेस बदल सकते हैं, ऐसे पिन बदलें और बंद करें। तो बंद करने की हमारे को कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं नहीं बंद करना नहीं है दोस्तों। इस तरह देख सकते हैं, ईमेल एड्रेस बदलें, पिन बदलें, बंद करें। तो इसको आपने, इसको तो आपने ये तो अपडेट पहले का, ये तो आपको पता ही होगा और गोपनीयता। इसके अंदर क्या कुछ देखते हैं दोस्तों, ये तो पहले वाला अपडेट है, नहीं कुछ कुछ पहले वाला ही अपडेट मिला है ये तो। इसके अंदर चैट के अंदर देखते हैं, मीडिया गैलरी में दिखाएं, ये तो इसका मतलब दोस्तों इसको टिक कर दोगे तो फाइल मैनेजर वीडियो होगी जो व्हाट्सएप पे आएगी, फोटो वीडियो ऑडियो वो सेव हो जाएगी, और इसको बंद करोगे तो फोटो सेव और उनको ऑफ कर सकते हैं आप, सेव नहीं करना चाहते तो। और ग्रुप की सूचना वो भी बंद कर सकते हैं, और संदेश की सूचना जब कोई व्यक्ति पर्सनल चैट करता है, तो वो होती है इसके अंदर। और डेटा संग्रहण, ये तो वाईफाई से कनेक्ट कर रखा है और संग्रहित किया इसके अंदर आप, ये तो पहले का अपडेट है दोस्तों। और इसका वर्जन है वो एक बार और देख लेते हैं क्या कुछ रहा है। 2.19.150 का वर्जन है दोस्तों, वर्जन बहुत कम बड़ा है पर दोस्तों इसके अंदर अपडेट बहुत सारे आ गए, आपको भी पता होगा दोस्तों। और ओको भी फोटो सेंड करें तो आपको यहाँ पर नाइट मोड जैसा ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा, और कोई भी पहली बार आप सेंड करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर चूँच निकल के, यानी थोड़ी सी तीर निशान बन जाता है यहाँ पे। और एक अपडेट है दोस्तों इसके अंदर दोस्तों, यदि आप मिटाओ दोस्तों इसको तो यहाँ पे आ रहा है कि चैट को मिटाए लेकिन मीडिया को गैलरी में ही रहने दें। तो इसका मतलब यह होता है कि चैट को तो मिटा दे पर मीडिया है वो हम नहीं मिटाना चाहते हैं, और इस पर फेस कर दोगे चैट और मीडिया मिटाएं तो पूरा ही मिट जाएगा, यानी फाइल मैनेजर से के अंदर जो सेव होती है फोटो वोटो वो भी उड़ जाएगी इससे। तो इस तरह आप इसके अंदर कर सकते हैं। और इसके अंदर क्या कुछ नियम मिला है हमारे को बताता हूँ दोस्तों आपको, मैं मेरा संपर्क कर दोस्तों, मैं एक बार दोबारा ओपन करता हूँ। और दोस्तों इसके अंदर दोस्तों एक नया अपडेट है दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको, मैं जाता हूँ गैलरी के अंदर। यानी दोस्तों जब भी कोई आपके पास, मान लो ये फोटो है, इसको हम करते हैं साझा व्हाट्सएप से करते हैं, और व्हाट्सएप पे करने के बाद दोस्तों आपको दोस्तों एक एंड्रॉयड वाला फीचर्स मिलेगा, यानी जिनकी हम चैटिंग खोल रखे हैं वो तो वहाँ पे ऊपर आएंगे ही आएंगे। और बट दोस्तों इसके अंदर जब दोस्तों वो इनके साथ सेटिंग नहीं की, उनके साथ भी उसे सेंड कर सकते हैं, और अधिकतम दोस्तों दो सेंड कर सकते हैं, ज़्यादा सेंड नहीं कर सकते। जब तो ज़्यादा प्रेस मत करना, ज़्यादा सेंड नहीं होगा यहाँ पे, तो मैं इसी पे ओके कर रहा हूँ। अधिकतम तो दो ही होंगे सेंड दोस्तों, तो ये फोटो इनके पास सेंड हो जाएगी। और दोस्तों इसके अंदर बहुत सारे दोस्तों फीचर्स अपडेट आए थे जो मैंने आपको दोस्तों पहली वीडियो के अंदर आपको बता दिया कि अपडेट था। और दोस्तों आप थोड़ा सा आपको बता दूं कि जियो स्टोर के अंदर दोस्तों एक आपको वीडियो कॉल दोस्तों ऐप दोस्तों उसके अंदर भी अपडेट मिला दोस्तों। ये अपडेट दोस्तों लगभग रात आज सुबह दोस्तों लगभग 3 बजे आ चुका है दोस्तों स्टोर को। दोस्तों मैं ओपन कर बताता हूँ आपको, दे सकते हैं वीडियो कॉल दोस्तों, इस पर भी अपडेट था, इसको भी अपडेट करना है दोस्तों आपको, क्योंकि दोस्तों ये पिछले वीडियो के अंदर दोस्तों ये वीडियो कॉल था अपडेट था वो दोस्तों रह गया था। और कोई और अपडेट है तो देखते हैं दोस्तों क्या कुछ नया मिलता है हमारे को। यहाँ पर दोस्तों मेरे को तो कोई भी दिखाई नहीं दिया दोस्तों, आपको दिखाई देता है तो नीचे कमेंट जरूर बताना कि ये अपडेट और आया है दोस्तों। ये अपडेट दोस्तों वो कई बार ऑटोमेटिक होने लगता है, वीडियो कॉल अपडेट अपडेट कर दिया है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना दोस्तों, लाइक करना मत भूलना, क्योंकि लाइक करोगे दोस्तों मेरे को पता चलता है दोस्तों वीडियो जो पसंद आया था। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि जियो फोन के अंदर जब भी कोई नई अपडेट मिलती है तो सबसे पहले अपने चैनल पे सबसे पहले वीडियोस अपलोड होती है आपके लिए दोस्तों, ताकि दोस्तों आप सबसे पहले हमारे चैनल पे आए और दोस्तों सबसे पहले आपको नई वीडियो सबसे पहले इस पे देखने के लिए मिल जाए। और आपको दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को करना अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर, ताकि दोस्तों वो भी अपने जियो फोन के अंदर इस तरह के अपडेट से दोस्तों वंचित रह जाए, क्योंकि दोस्तों वो भी अपने मोबाइल के अंदर मीडिया को सेव कर ले और वो भी इस अपडेट का फ़ायदा उठा ले और अपडेट चलाना जाए। धन्यवाद, मिलते हैं कुछ नए के साथ, जब तक बाय, थैंक यू।